करंट डिवाइडर और इसी को करंट डिवीजन रूल भी बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। बेसिकली ये है एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, ठीक है। देखो कैसे केवीएल केसीएल का एप्लीकेशन की हेल्प से, जैसे मान लीजिए एक सिंपलिसिटी के लिए हम एक करंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसके हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। देखो कैसे लगाते हैं वो हमको माइंड में रखना है। ये आर वन है, ये आर टू है, ठीक है। हमारा टारगेट है, मोटिव ये है कि इसमें और इसमें करंट डिटरमाइन करना है। किसी एक में करंट मिल जाए तो करंट केसीएल से हम अपना निकाल सकते हैं कि एक में करंट मिल गए तो दिस करंट माइनस दिस करंट कर देंगे तो बात बन जाएगी, उसमें मिल जाएगी। नहीं देखो, जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक तो तरीका ये अप्लाई कर सकते थे क्या, इसको पहले फिर से बनाते हैं और जो भी रेजिस्टेंस है उसको इट इज ये आर वन और दूसरा ये आर टू, पहले रूल बनाते हैं कि है क्या, फिर उसको उसकी हेल्प से हमेशा ये तो करेंगे नहीं, हमेशा सर्किट बना के इस टाइप का डायरेक्ट याद कर लेंगे और उस पर बना रिजॉल्व कर देंगे। देखो ये आई है, इसमें मान लो करंट आई वन, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ से केसीएल लगाओगे तो आई माइनस आई वन करोगे तो क्या मिलेगा, आई माइनस आई वन। अगर दिक्कत हो रही है किसी को ज़्यादा तो ये बड़ी समस्या होती है ना, आई दिस इक्वल टू केसीएल लगा दिया इस पॉइंट पे तो आई वन प्लस आई टू, तो आई टू की वैल्यू फाइनली आ गई कि नहीं, आई माइनस आई टू, सॉरी आई माइनस आई वन। अब इस लूप में घूम जाओ केवीएल से, माइनस से प्लस, माइनस आर वन इंटू आई वन प्लस, देखो माइनस से प्लस फिर प्लस से माइनस आएंगे तो आई टू इंटू आर टू दिस इक्वल टू जीरो, तो आई वन आई टू की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई माइनस, ठीक है। यहां पे आई इंटू आर टू दिस इक्वल टू क्या मिल रहा है, आई वन आर वन प्लस आर टू, तो आई वन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, आई इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। नहीं, अगर I1 में करंट चाहिए तो हमको क्या याद करने की टेक्निक हुई, दिस करंट इनटू उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम। अभी तो ये कंसेप्ट निकला, कहीं ऐसा तो नहीं I2 से कुछ और निकले, चलो देखते हैं। I2 में निकालना है तो I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I माइनस I1 की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, क्या मिल के यार निकल के आया, तो करने का मतलब एक चीज तो फिक्स है दोनों में ही, आपने देखा कि अगर इसमें करंट चाहिए तो इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस और इनटू करंट, तो करंट इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम। टेक्निक सही है, बहुत सही याद करने का है। दूसरा ये तो हो गया कि अगर ऐसा हो तब तो ऐसा बन जाएगा कि आई वन की वैल्यू आई आर सॉरी आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, और आई टू की वैल्यू जो आ गई थी वो आई इंटू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि इसमें अभी ये तो टेक्निक तभी लगेगी ना जब करंट का डायरेक्शन ऐसा हो और इन दोनों में अपोजिट करंट फ्लो कर रही है ना। देखो इसमें ऐसे आ रही है तो अपोजिट हो गई ना, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ये इनकमिंग है और ये दोनों क्या आउटगोइंग है, तब तो ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर ये करंट अपोजिट हो और इसमें आपने ऐसे मान रखा तब करंट क्या पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, क्योंकि उसको भी क्वेश्चन में जब आता है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ऐसे लगाओ, ठीक है। चलो अब थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं, इसको मान लो आई एस और डायरेक्शन अपोजिट कर दो, ठीक है अपोजिट कर दिया। अब इसकी हेल्प से अब इसमें लगाना चाहें तो ये आई एस हो जाएगा, ऐसे देखो पहले ये क्या हो जाएगा आई एस। अब जब ये आई एस होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन तीनों करंट का सम ये बराबर जीरो, तब तीनों करंट का सम क्या मिलेगा, देखो सभी क्या है आउट गोइंग हो गई, तो I की वैल्यू अब यहाँ पे देखो अगर I2 चाहिए तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो जब इसमें माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस R2 ये भी माइनस, ठीक है I के आगे क्या लगा दो माइनस, तो ये भी माइनस। तो आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, जो करंट है वो भी क्या हो रहा है निगेटिव आ रही है,
ठीक है। तो कुल मिला जुला के एक चीज़ तो कंफर्म हो गई क्या, कि याद करने का टेक्निक ये है कि जो भी करंट है, जब आप देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो जो ये करंट आ रही है वो कैसे आ रही है, अगर तीनों के करंट का डायरेक्शन सेम एक ही डायरेक्शन में है, आउट गोइंग है, या तीनों के तीनों आपने इनकमिंग मान लिया, तीनों के तीनों आउट गोइंग मान लिया, तो करंट जो आई वन आई टू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्लियर है? तो हमेशा टेक्निक क्या है याद करने की, कि अगर करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का है, मतलब ये इनकमिंग है और ये दोनों क्या है आउटगोइंग है, तो ये करंट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब बाकी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट में इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी वे में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब किसी ने कहा सर इसमें तीन है, तो अगर मान लो यहाँ पे तीन आ गए, कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस आ गए, तब क्या करोगे? नहीं, एक तो क्वेश्चन ये भी बनता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसका तरीका ये है, जिसमें भी करंट डिटरमाइन करनी हो, ठीक है, जिसमें भी करंट डिटरमाइन करनी हो, मान लो आई थ्री डिटरमाइन करना या आई टू डिटरमाइन करना या आई वन, एक तो फिक्स होगा, ठीक है, जैसे I2 डिटरमाइन करना है या I3 डिटरमाइन करना है, तो जिसमें करंट डिटरमाइन करनी है उसको छोड़ के अदर दो को, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ठीक है, या R1 में करंट डिटरमाइन करनी है, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, इसको पुराने टाइप का बनाएंगे। कैसे? देखो ये I हो गया, इट इज रहेगा, R1 को इट इज रहने दो, जिसमें करंट डिटरमाइन करनी है इसमें डिटरमाइन करनी है, ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इनको मान लो आर टू डैश, ठीक है, और इसको आई फोर मान लो। इस टाइप को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, आर फोर, देखो ये जो है कुछ इस टाइप का कर लेंगे हम लोग। अभी ये कंसेप्ट है, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन जब कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो किसके करस्पॉन्डिंग आया है, वो आर टू डैश, आर टू डैश का मतलब आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर टू प्लस आर थ्री। अब बताइए करंट डिवाइडर रूल से आई वन डिटरमाइन किया जा सकता है क्या, आई वन डिटरमाइन कर सकते हैं, आई वन की वैल्यू तो आई इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस आर टू डैश, मतलब जो पहला कॉम्बिनेशन आया था, डिवाइड बाई आर टू डैश प्लस आर वन, ऐसे करके निकाल लिया। अब ये जो करंट है आई फोर, तो आई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो आई वन माइनस क्या कर सॉरी आई माइनस आई वन कर दो, या फिर करंट डिवाइडर रूल से आई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें करंट चाहिए तो आई इंटू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू डैश, ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, आर फोर की वैल्यू। अब बताइए आई फोर निकल गया, अब किसी को आई टू या आई थ्री चाहिए तो निकल सकता है ना, आई फोर निकल गया तो फिर से करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, देखो ये अपोजिट है ना, इसमें इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो दैट्स वाई आई टू अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, प्लस आई फोर इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरीके से आई थ्री निकालना हो तो क्या निकालेंगे, आई थ्री की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी, आई फोर प्लस आई फोर इंटू आर टू डिवाइड बाई आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसको बना लो पहले। तो कुल मिला जुला एक चीज़ है, कंसेप्ट हमको पकड़ के रखना है, और अगर कंसेप्ट भूले तो भी डिटरमाइन किया जा सकता है, कहीं अगर दिक्कत हो गई करंट डिवाइडर रूल सर भूल गए, तो बहुत इजी है। क्या बताया था, यहाँ पे आई दिस इक्वल टू आई वन प्लस आई टू जो भी है, और फिर इसके बाद हमने क्या लगा, केवीएल लगा के निकाला था करंट की वैल्यू, ठीक है, उससे हमको ये दोनों मिल गए थे। कभी भी भूल गए, और याद करना बहुत ईजी है, कि जिसमें करंट चाहिए उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस, नहीं जिसमें करंट चाहिए उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस और ये करंट। अब देखो हमेशा ये याद रखना, बस आपको याद रखना एक ही चीज़ है, कि करंट जो आप ले रहे हो, जो इसमें करंट, जैसे इसमें करंट इस इधर मान रखा है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब इसमें आउटगोइंग है तो इनके इसमें इनकमिंग होना चाहिए, या इसमें इनकमिंग है तो इसमें आउटगोइंग होना चाहिए, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आई थी देख लिया, ठीक है, खैर बना लो इसको। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, हमेशा लास्ट से चलो, 12 और 8 किस में, पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। फिर देखो अब हमको ये डिटरमाइन करना है, तो अगर किसी तरीके से इसमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं
एक तो ये पैरेलल पाथ है, अगर हम किसी तरीके से इसको रिजॉल्व करके एकदम बनाएं कुछ इस टाइप का, जैसे ये रेजिस्टेंस उस टाइप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएं, तो फिर इसके बाद करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। नहीं तो देखो 12 और 8 किस में है, पैरेलल, ठीक है। तो 12 और 8 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसा तो कैसे। अब ये बताइए इसको 5 और ये हो जाएगा 3, तो 24/5, ठीक है, 0.8, तो 4.8 तो हो गया ये। इसका जो कम्बिनेशन आएगा 4.8 और 1.2 ऐड कर देंगे सीरीज 1.2, इस कम्बिनेशन के साथ क्या आएगा सीरीज में, तो 4.8 प्लस 1.2 कितना हो गया 0.6, 6.0 आ गया, ठीक है। तो पहले तो इसको बना लो, ये हो गया 6, 6 ओम। अब ये देखो 3 और 6 पैरेलल में, और इसके साथ इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है सीरीज में, तो 6 × 3/9, तो पहले तो ये हो गया 2 ओम, 2 प्लस 6 तो ये हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं, 6 ओम। और ये कितना है 1 ओम, और ये है आपका 2 ओम, और ये है आपका 6 एम्पियर, ठीक है। चलो कोई देख कोई नहीं, यहाँ से देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो 6 और 6 दो सेम है, तो दैट्स वाई हाफ हो जाएगा, तो 3 ओम। तो ये तो हो गया टोटल कितना 3 ओम, 3 ओम और 1 कितना हो गया 4 ओम। तो एक फाइनली कुछ इस टाइप का बनेगा, एक तो 2 ओम और ये हो जाएगा आपका 1 ओम और ये 3 ओम, तो 3 ओम और ये 1 ओम। इसमें करंट I1 मान लो, इसमें हो जाएगा 6 एम्पियर। अब ये बताइए ये टोटल कितने 4 ओम है, नहीं। तो अगर आपको I1 चाहिए तो क्या करेंगे, I1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, जब I1 की वैल्यू हमेशा इसके सामने वाला करंट डिवाइडर रूल लगा रहे हैं, तो जिसमें निकालना रहता है उसके सामने वाला का रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो 2 प्लस ये कितना है 4, और करंट कौन सी ये वाली 6, ठीक है। हमेशा याद रखना ये करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वाली अपोजिट होनी चाहिए, तभी यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तब यहाँ पे करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, ठीक है। चलिए तो 6 × 2 तो 2 / कितना हो गया नीचे 6, तो ये आ गया 2 एम्पियर। तो ये बताइए Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसमें ये तो 2 एम्पियर हो गई, हमको यही तो है Vx, तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1, दैट इज 2 वोल्ट। बनाओ जल्दी इस पहले इसको, दूसरा अगर इसमें करंट डिटरमाइन करनी हो, या अगर इसमें पावर इसके करस्पॉन्डिंग पावर देखते हैं, 12 ओम के करस्पॉन्डिंग पावर डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये बताइए अगर पावर इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना चाहते हैं तो किसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज मिल जाए। देखो अगर हम पावर चाहते हैं तो ये अगर इसको मान लो Vy या V1, V1 करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मिल जाता तो बात बन जाए, क्योंकि V1 का स्क्वायर बाई 12 कर देंगे बात बन जाएगी। नहीं अब इसको डिटरमाइन करना है तो देखो करंट चाहिए हमको, कहीं कहीं हमको करंट तो चाहिए ही, 1 एम्पियर करंट हमको मिल गई। यहाँ पे देखो ये जो हमको करंट मिली है, सॉरी 2 एम्पियर करंट, I1 की वैल्यू कितनी है ये, इसमें कितनी है 2 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो 2 एम्पियर ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब ये बताइए अगर किसी तरीके से इसमें करंट मिल जाए तो बात कुछ बने। देखो यहाँ पे फिर से करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल से विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल देखो ये 2 एम्पियर है, इसमें करंट चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, इसको I2 मान लो, तो I2 वैल्यू फिर वही, देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है, हमको चाहिए इसमें, और इसमें करंट किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, नहीं इस टाइप का है। तो ये बताइए पहले तो 2 पॉजिटिव होगा इनटू इसके सामने वाला 6/6, तो ये 1 एम्पियर है वो, तो इतना तो फिक्स है ये 1 एम्पियर। अब ये जो 6 ओम आया था ये किसका किसका कॉम्बिनेशन था,
इसका और इसका नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो I2 है मतलब इसमें जो करंट है वो 1 एम्पियर है। अब हमको करंट चाहिए इसमें, I3 करंट चाहिए। देखो इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन ही तो 6 था, और इसका कितना आया था 4.8। तो ये बताइए अब फिर से, ये 1 एम्पियर है, अगर हमको I3 चाहिए तो फिर करंट डिवाइडर रूल से I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू इसके सामने वाला 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 बाई 20। ठीक है, ये ऊपर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10 या 2 डिवाइड बाई 5। तो I3 हो गया 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, एक तो हमको पावर निकालनी है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू I3 का स्क्वायर या V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 कर दो। ठीक है, V1 का मतलब वही I3 इंटू 12 डिवाइड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। यस, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, I इंटू R स्क्वायर, नहीं R इंटू I स्क्वायर इंटू R पावर लॉस ने। तो ये बताइए, ये तो 12 इट इज, ये 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 25, 48 डिवाइड बाई 25, देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.8 डिवाइड बाई 25 दैट इज 1.92 वाट। तो ये हो गया 1.92 वाट। ठीक है, बना लो इसको। हमारा जो मोटिव है इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग, हमको करंट डिटरमाइन करनी है इन ऑल ब्रांच। ठीक है, अब करंट भी बोल सकता है, वोल्टेज बोल सकता है। वोल्टेज निकालने के लिए क्या है भाई, करंट चाहिए। ठीक है, करंट मिल गई तो I2R कर देंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा जो भी है। चलिए, हमेशा पहले जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो पहले क्या करो कि करंट यहाँ पे निकाल लो, और फिर विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल का हेल्प से क्वेश्चन को रिजॉल्व करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, 2 और 1। तो पहला टारगेट जो सर्किट है उसको फिर से रिड्रॉ करो। अगर आप इस टाइप के जब कभी करंट डिटरमाइन करना तो सर्किट रिड्रॉ जरूर करो। ठीक है, और उसको 2 और 1 क्या है, पैरेलल में है, तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 2 बाई 3। तो ये एक चीज़ तो लिख सकते थे यहाँ पे, 2 बाई 3, देखो 2 बाई 3, और ये 4 ओम। ठीक है, फिर इसके बाद इधर लेके आ जाओ, और ये हो गया 40 प्लस माइनस 40, 40 वोल्ट, और ये है 3 ओम। ठीक है, इसको I3 बना दो, जो भी करंट आ रही थी, अब ये क्या हो जाएगा I2 और ये I1। हमने इसको छोटा करके ये बनाया, देखो ये दोनों पैरेलल थे, दैट्स उनका कॉम्बिनेशन 2 बाई 3। इसको अब इससे भी छोटा करके, इसको भी छोटा करके कर सकते हैं क्या, ये देखो 3 ओम है, हाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर पैरेलल में है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो तो 80 रहेगा, कितना है 40 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है 3 ओम। 4 और देखो 4 इंटू 2 बाई 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 बाई 3, तो ये 8 बाई कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 14। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 बाई 7। ठीक है, तो ये हो गया 4 बाई 7, रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, I1 करंट होगी, मतलब इसका कॉम्बिनेशन ये आ गया, करो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए I1 क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 4.7 सॉरी 4 बाई 7। अब इसको रिजॉल्व करते हैं पहले, तो 4 बाई 7 कितना आ गया, पहले तो 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 0.5714, एटलीस्ट 4 तक जाओ। ठीक है, इसमें +3 का ऐड कर दो, तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 3.5714, 40 डिवाइडेड बाई 3.5714 दैट इज 11.4
टू ज़ीरो 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 आ रहा है, ठीक है 896। तो ये हो गया हमारा 11.2। I1 की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, I1 मिल गया हमको 11.2 एम्पियर, ठीक है। जब 11.2 एम्पियर करंट मिल गई तो अदर को डिटरमाइन करना बहुत इजी होगा। देखो कैसे, यहाँ तो पहले लिख लो जल्दी से, ठीक है। अब देखिए करंट डिवाइडर रूल से, नहीं करंट डिवाइडर रूल से देखो ऐसे है ना, इधर से करंट आ रही है, यही है, ये कितनी है 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर नहीं 11.2 एम्पियर है ना, 11.2 एम्पियर। तो 11.2 और ये है 4 ओम और ये है 2/3, ये है I2 और ये है I3। हमको तो दोनों करंट चाहिए, कोई एक निकाल लो। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, इसके सामने वाला, पहले तो ये देखो करंट का डायरेक्शन, जैसे इसमें करंट है उसके अपोजिट है ये, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, तो 11.2 इनटू जिसमें निकालना उसके सामने वाले का रेजिस्टेंस 2/3 होल डिवाइड बाई 4 प्लस 2/3, 11.2 इंटू 2 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसको डिटरमाइन करते हैं, ये हो जाएगा 11.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 14, ये 7। तो 11.2 डिवाइड बाई 7 देखने क्या आता है, 11.2 डिवाइड बाई 7 दैट इज 1, ठीक है ना जी, दैट इज 1.6 एम्पियर। तो I2 आ गया हमारा 1.6 एम्पियर। I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड, I3 कितना हो जाएगा, I3 की वैल्यू तो आंख बंद कर भी निकाल सकते हैं KCL से भी, क्या I1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 प्लस I3। इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे क्या है I1 और आउटगोइंग I2 प्लस I3। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू -1.6, ठीक है। देखते हैं कितनी आती है, तो ये हो गया 11.2 -1.6 दैट इज 9.6 एम्पियर। तो ये हो गई 9.6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, I4 और I5। तो पहले इसको जल्दी से बनाओ, ठीक है। यहां पे आते हैं, देखो I3 और ये हो गया आपका 1 ओम और ये आपका 2 ओम, नहीं 1 ओम और ये 2 ओम, I4 I5 और इसमें जो करंट आ रही है वो कितनी है 9.6 एम्पियर। फिर से करंट डिवाइडर रूल, इसमें करंट चाहिए, I4 निकालो पहले, I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I4 दिस बी इक्वल टू 9.6 पॉजिटिव होगा, क्यों देखो पॉजिटिव, दैट्स व्हाई 9.6 इंटू 2 डिवाइड बाई सामने वाला डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3 6.4। तो I4 आ गया 6.4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। I5 को डिटरमाइन करना बहुत ईजी है, देखो 9.6 दिस इक्वल टू, आप ऐसे भी निकाल सकते हो या तो करंट डिवाइडर रूल से भी, जिससे आपको ईजी लगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 और ये 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, तो 3.2 एम्पियर, ठीक है। तो फाइनली I5 जो है ये हो गया 3.2 एम्पियर, I4 कितना आया है 6.4 एम्पियर, I3 कितना आया है 9.6 एम्पियर, I2 कितना आया है 1.6 एम्पियर
एंड I1 कितना आया है, 11.2 एम्पियर। बना लो इसको, प्रोसीजर हमेशा ऐसे ही। अगर कभी लग रहा है कि गलत है कि क्या है जो भी है तो चेक चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, फिर इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, बना लो इसको। हमारा मोटिव है V0 को डिटरमाइन करना। तो V0 को डिटरमाइन करने का मतलब है पहले करंट डिटरमाइन करना। देखो हम सोच रहे हैं कि सब में करंट डिटरमाइन कर लेते, पहले इसको यहाँ से I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। ठीक है, I7 निकालना है तो वोल्टेज मिल जाएगा। नहीं तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी हमेशा, तो पहला टारगेट होगा हमेशा, इसका और कोई मेथड नहीं है, हमेशा सबसे आसान मेथड यही है कि इधर से इस साइड जाओ, सोर्स की तरफ जाओ। हमेशा जिधर सोर्स है उस सोर्स को टारगेट करके और इधर से उसकी उसकी तरफ जाओ। और हमको क्या करना है, I1 निकालना है तो हमको इसका इक्विवेलेंट चाहिए, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपको दिस वन और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो दिस वन तो 12 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस 10, तो I1 मिल जाएगा। फिर I1 के हेल्प से करंट डिवाइडर के हेल्प से हम लोग अदर करंट को हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, फिर तो वोल्टेज मिल ही जाएगा। तो पहले तो प्रोसीजर पता होना चाहिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पहला स्टेप प्लानिंग जरूरी होती है, प्लानिंग के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टारगेट देखो 30 और 50, हमेशा इसको छोटा कर दो, ये सर्किट छोटा हो गया, कितना हो गया 30 और 50 80 ओम सीरीज में है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये कितना है 20 ओम, ये कितना है 24 ओम, और ये कितना है 60 और 20 80। ठीक है, सही है ना जी। और ये 15 कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, रुक जाओ एक सेकंड, फिर से रिचेक कर लेते हैं। ये 80 तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से ये 4 हो गया 15। ठीक है, सही है। तो ये हो गया 15 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 15 ओम। 15 ओम ये हो गया 25 और ये 15 ओम, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना है 10 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट। ठीक है, रीचेक जरूर कर लो। देखो प्रोसीजर कभी कभी होता है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन प्रोसीजर हमेशा यही फॉलो करो। ठीक है, हमसे मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं ऐड आउट कर दिया कहीं। ठीक है, क्योंकि लाइव कर रहे हैं, दैट्स वाई पहले से रिजॉल्व करके रखा नहीं जाता। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कितना करें, ऑन द स्पॉट चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, दैट्स वाई। चलिए, तो हमेशा प्रोसीजर हो सकता है कहीं वैल्यू उल्टी सीधी लिखा जाए, तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना, प्रोसीजर गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर गलत नहीं, न्यूमेरिकल में एडअप करना, वो सब्ट्रैक्शन करना, कभी कभी इधर उधर दिमाग कहीं और होता हो जाता है। ठीक है, चलिए ये दोनों किस में है पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में डिटरमाइन करते हैं। तो इससे हमने ये सर्किट बनाया। ठीक है, और चलो इसको बनाते चलते हैं। ये I7 है क्योंकि डिटरमाइन करने में ईजी हो जाएगा, ये I6 है और ये I3 है, ये I2 है और ये I1 है। चलिए, तो 80 किसमें हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 20 और 80 डिवाइड बाई 100, दोनों का सम 0000, ये कितना होगा 16 ओम। फिर 24 ओम, ये है 24, ये दोनों सीरीज में कितने हो जाएंगे 25 प्लस 20 सॉरी 15, ये हो गया 40 ओम और ये हो गया 10 ओम, और ये कितना है प्लस माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो पहली बात, ये तो I3 हो गया, और ये क्या है I2, और ये क्या है I1। ठीक है, ये कितना होगा 30 और ये 40, दोनों किस में है पैरेलल में। तो ये देखो, ये 40
और ये हो गया प्लस माइनस 15 वोल्ट, 10 ओम, ये हो गया 40 ओम, और ये कितना हो जाएगा 40। अब तो इजी हो जाएगा, देखो ये I2 हो गया और ये I3। इन दोनों का देखो इसमें इनका नेट कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये I1 है, सिंपल सब तो है, पैरेलल में है और सेम है, तो R by 2 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 20 ओम। तो ये हो गया फाइनली I1 और ये हो गया प्लस माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो I1 दिस इक्वल टू, पहले इसको लिख लो 10 ओम। I1 की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 30, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो I1 जहां जहां पे है वो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो मतलब ये तो बड़ी कम करंट आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0.5। अब ये बताइए, ये करंट हो गई 0.5 एम्पियर। अब हमको I2 या I3 चाहिए, तो करंट विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल से निकाल सकते हैं I2 की वैल्यू या I3 की वैल्यू। वैसे भी चलो I2 निकालते हैं, I2 की वैल्यू 0.5 इंटू 40 डिवाइड बाई 40 प्लस 40, तो ये 0.5 इंटू 1 बाई 2, तो ये 0.25। नहीं देखो, I2 की वैल्यू 0.25, ये वैल्यू हो गई 0.25 एम्पियर और इसमें भी 0.25 एम्पियर। ठीक है, 40-40 हो गया ना। अब ये 40, ये तो हो गया 0.25 एम्पियर, तो हाफ हाफ हो जाएगी ना। ऐसे भी देख लो, I2 के लिए 0.25 एम्पियर, इस 0.5 में से 0.25 एम्पियर माइनस करो तो भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो सीधा सीधा दिख रहा है कि चूंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, दैट्स वाई। और I3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, चलो I2 हमको मिल गया, ये मिल गया 0.25 एम्पियर और इसमें 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब ये करंट इसमें जा रही है, देखो अब यहाँ से फिर करंट डिवाइडर रूल बनाओ जल्दी से इसको। यहाँ पे जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर और ये आ रही है। ठीक है, आई सिक्स और आई सेवन निकालना, तो आई सिक्स किस की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, आई सिक्स निकालना हो तो इसके सामने वाला रेस्ट, पहले तो ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से पॉजिटिव इंटू 80 डिवाइड बाई इन दोनों का सम 100, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 8 इंटू ये तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10, 0.2 आएगी, करके देख भी लेते हैं। ठीक है, गलती करने से अच्छा है कि 2 डिवाइड बाई 10, तो वही आ रहा 0.2 ही आ रहा, तो दैट इज 0.2 एम्पियर आई सिक्स में, 0.2 एम्पियर। तो इसमें से इस करंट में से इस करंट को माइनस कर दो, देखो I3 थ्री दिस इक्वल टू आई सिक्स प्लस आई सेवन, आई सेवन डिटरमाइन करना हो, ठीक है आई सेवन डिटरमाइन करना होगा, तो क्या लिखेंगे I3, I3 कितना है 0.25 माइनस 0.2, कितना हो जाएगा 0.05, तो इसमें हो गया 0.05 एम्पियर। ठीक है, इधर का आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो इनका काम खत्म हो चुका है और इनका भी काम खत्म हो चुका है, अब हमको फोकस करना है और इनका भी काम खत्म हो चुका है। नहीं, आई सेवन तो हमको मिल गया, आई सिक्स भी मिल गया, अब बताइए V0 डिटरमाइन करना है, हमको चाहिए था V0 ना, V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू आई सेवन, तो 30 इंटू आई सेवन की वैल्यू कितनी है 0.05। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 30, दैट इज 1.5 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, इसमें तो हमने करंट निकाला ही नहीं, चलो इस पर भी फोकस कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये 60 और ये कितना है 20, बना लो इसको पहले, ये 60 ओम और ये 20 ओम, आई फोर और ये आई फाइव। ठीक है, इधर से करंट आ रही है कितनी, सॉरी ये कितनी आई थी 0.25,
आई फोर डिटरमाइन करना है या आई फाइव, जो भी है आई फोर डिटरमाइन कर लो, कोई एक निकाल लो तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। आई फोर डिटरमाइन करना है, देखो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहले तो 0.25 लिख लो इनटू इसके सामने वाला 20 होल डिवाइड बाई 20 प्लस सॉरी 60 प्लस 20, तो 0.25 20 और ये 80, तो 0.25 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 4, दैट इज 0.0625 एम्पियर आई फोर की वैल्यू आ गई। और आई फाइव की क्या हो जाएगी, देखो 0.25 दिस बी इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव, यहाँ पे केसीएल लगा दिया तो आई फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25 माइनस 625, ठीक है, देखते हैं कितनी आती है, माइनस 0.25 0.1875 एम्पीयर, ठीक है। तो करंट आ गई इन दोनों में, बहुत ही करंट आएगी कम, देखो कितनी आ रही है 0.0625 एम्पीयर और इसमें आ रही है 0.1875 एम्पीयर, बना लो पूरा। और इसमें अगर कभी पावर पूछ दिया, जिसके करस्पॉन्डिंग पावर पूछ दिया, वोल्टेज मिल गए तो वी स्क्वायर बाई आर कर दो, या करंट मिल गए तो करंट का स्क्वायर इंटू आर कर दो, बात खत्म, ठीक है, बना लो इसको पूरा।